हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन सीक्वेंसिंग, कि प्रोटीन की सीक्वेंसिंग हम कैसे करते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन सीक्वेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। ये ऐसा मेथड है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकते हैं, कि जब हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करेंगे तो उससे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का जो है वो पता लगेगा, कि उसको हम समझ पाएंगे कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है और क्या उसके फंक्शंस हैं। अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंस द इवेंचुअल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। कहता है कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है ये डिटरमाइन करता है जो प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। ऐसा मेथड है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझ सकते हैं, और अमाइनो एसिड जो है ये डिटरमाइन करता है जो प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। प्रोटीन क्या होती है आपको पता ही है कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स की, कि अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन जो है वो बनती हैं। डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट टू है वन अमाइनो ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, की एक अमाइनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच रहता है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या है वो पहले ही मैंने आपको सुनाया है, कि ऐसी टेक्निक जिससे हम प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को जान सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। हिस्ट्री, पेर एडमिन ने 1947 में एक मेथड जो है वो डिकोड किया अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का पता करने के लिए प्रोटीन के अंदर, कि कैसे हम प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं, उसके लिए एक मेथड डिकोड किया। लेकिन वो मेथड क्या था कि हम उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगा सकते थे। तो पहर एडमिन ने 1947 में ऐसा मेथड निकाला कि हम प्रोटीन्स पे जब केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम उससे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। इसी तरह फ्रेडरिक सैंगर 1955 में ही वॉज एबल टू प्रेजेंट द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन। तो फ्रेडरिक सैंगर ने 1955 के अंदर जो इंसुलिन की कंप्लीट सीक्वेंस थी वो प्रेजेंट की, वो सामने लाई कि कैसे इंसुलिन की उन्होंने सीक्वेंसिंग जो है वो की, वो 1955 के अंदर फ्रेडरिक सैंगर ने किया। अब अमाइनो एसिड की जो कंपोजिशन है हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अमाइनो एसिड कंपोजिशन और प्योरिटी जो है, जब भी हमने प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करनी है तो उससे पहले हमें अमाइनो एसिड की कंपोजिशन का पता होना चाहिए, उसकी प्योरिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है मल्टीमेरिक प्रोटीन्स की, दे शुड बी सेपरेटेड एंड मॉलिक्यूलर ऑफ ई चेन शुड बी मेजर्ड। उनको हमने क्या करना है कि सेपरेट करना है पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, और उनका मॉलिक्यूलर वेट हर चेन का जो है वो मेजर करना होता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो हम कर सकते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस मेथड, सेपरेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। हाइड्रोलाइसिस मेथड से भी हम इस जो है अमाइनो एसिड की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, सेपरेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस की मदद से हम अमाइनो एसिड की कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या है कि हम पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स। आपको पता ही है पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जैसे हमने प्रोटीन्स के अंदर पढ़ा था जैसे डाई पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलेंगे तो डाई पेप्टाइड बनाएंगे, तीन अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलकर ट्राई पेप्टाइड बनाते हैं, इसी तरह 10 से कम जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बनाएंगे तो वो ओलिको पेप्टाइड बनाते हैं, और जब 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो ये पेप्टाइड जो है ये किससे बनते हैं, ये अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करने के लिए हाइड्रोलाइज करते हैं कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स है, वो कैसे करेंगे कि हम पेप्टाइड को हीट करेंगे 6N HCl,
सिक्स नॉर्मलिटी जो होती है, नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें हम पेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे, जिसके लिए हम वो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे फॉर 24 आवर्स के लिए। सेपरेशन हम प्रोटीन की करवा सकते हैं बाय क्रोमेटोग्राफी बाय डायलाइसिस मेथड, जो हमने पहले पढ़ा है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और डायलाइसिस क्या होता है। तो सेपरेशन के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डायलाइसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अमाइनो एसिड रेसिड्यू ऑफ पेप्टाइड्स रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद एनहाइड्रिन, कहता है जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं पेप्टाइड्स के वो क्वांटिटेटिवली रिएक्ट करते हैं उस निनहाइड्रिन के साथ। तो जब हम हीट करेंगे तो जो अल्फा अमाइनो एसिड है वो रिएक्ट होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ निनहाइड्रिन के साथ। तो अल्फा अमाइनो एसिड जो रिएक्ट करेगा दो मॉलिक्यूल निनहाइड्रिन के साथ, जो हमें क्या देगा, इंटेंसली कलर्ड प्रोडक्ट, एक कलर्ड प्रोडक्ट हमें निकाल के सामने देगा। तो पर्पल कलर इसमें जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या देते हैं, पर्पल कलर प्रोडक्ट देते हैं, पर्पल कलर उनमें आ जाता है। और पेप्टाइड जिसमें फ्री अमाइनो ग्रुप जो होता है, जिसमें जैसे प्रोलीन है वो येलो कलर देता है, ऐसा पेप्टाइड जिसमें फ्री अमाइनो ग्रुप होगा जैसे हमारे पास प्रोलीन है वो क्या देता है, येलो कलर प्रोडक्ट हमें देता है, येलो कलर देता है। मैकेनिज्म, प्रोटीन सिक्वेंसिंग के दो मैकेनिज्म है, सैंगर्स मेथड और एडमैन्स मेथड। सैंगर मेथड, सैंगर ने क्या किया, सबसे पहले कि इसने अमाइनो एसिड्स को कोवलेंटली टुगेदर बाय अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले शो किया कि हम अमाइनो एसिड्स को कैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा ला सकते हैं, कोवलेंटली उसको एक दूसरे के साथ ला सकते हैं बाय अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक साथ जोड़ के। इसने स्टेप वाइज मेथड दिए कि कैसे हम रिलीज अमाइनो एसिड को रिलीज करवाएंगे और कैसे हम अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो स्टार्ट होगा कहाँ, इंटरनल एंड से। इंटरनल एंड आपको पता ही है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है प्रोटीन्स की, उसके दो एंड होते हैं, एक को हम बोलते हैं सी टर्मिनल एंड और एक को हम बोलते हैं इंटरनल एंड। इंटरनल एंड बोलते हैं जिस एंड पे फ्री अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच होता है, और सी टर्मिनल एंड बोलते हैं जिस एंड पे फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम सी टर्मिनल एंड बोलते हैं। तो अमाइनो एसिड्स की जो नंबरिंग है, काउंटिंग है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, वो हमेशा एंड टर्मिनल एंड से होती है, मतलब जिस एंड पे फ्री अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। तो इसने, सैंगर ने सुजेस्ट किया कि हम कैसे अमाइनो एसिड को रिलीज करवाएंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो किस साइड से शुरू होगा, फ्रॉम एंटर्मिनल एंड से। तो इसने इसके लिए यूज किया फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन रीएजेंट, जो है इसमें इस्तेमाल किया, जिसको हम कॉमनली सैंगर्स रीएजेंट भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं सैंगर्स रीएजेंट, फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन को। तो फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन ये रिएक्ट करती है जो फ्री अमाइनो ग्रुप होता है एंटर्मिनल एंड पे, एंटर्मिनस पे, उसके साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो येलो कलर डाइनाइट्रोफिनोल जो है, जो डेरिवेटिव है किसका, एंटर्मिनल अमाइनो एसिड का, वो प्रोड्यूस होता है। मतलब डेरिवेटिव हो गया ऐसी चीज जिसका सोर्स जो है वो कुछ और होता है, समथिंग विच बेस्ड ऑन अनदर सोर्स, ऐसी चीज जो किसी दूसरे से निकलती है। तो निकलती किससे है, ये अमाइनो ग्रुप जो वहां पे अटैच होता है अमाइनो एसिड, उसी से ये हमारा क्या निकलता है, डाइनाइट्रोफिनोल निकलता है, एंटर्मिनल एंड अमाइनो एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है, किसका, डेरिवेटिव। तो डाइनाइट्रोफिनोल जो है अमाइनो एसिड, ये आइडेंटिफाई किया जाता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइनाइट्रोफिनोल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, जेल इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी का। जेल क्रोमेटोग्राफी की मदद से, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डीएनपी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम कंपेयर करते हैं, जो डीएनपी अमाइनो एसिड जो डेरिवेटिव निकल के सामने आया उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डेंसाइल क्लोराइड, जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं बिकॉज ये क्या करता है, कलर डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन करता है, कलर प्रोडक्ट्स हमें निकाल के देता है। तो दैट कैन बी डिटेक्टेड विद हाई सेंसिटिविटी दैट द डाइनाइट्रोफिनोल कंपाउंड।
ये रिएक्ट करता है विद जो सी और इंटरनल अनचार्ज्ड एंड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा सल्फोमाइड डेरिवेटिव्स जो स्टेबल है अंडर कंडीशंस दैट बाय हाइड्रोलाइज्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स उनके साथ उस कंडीशन में वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं. Although tensile method for determining amino terminal residue is sensitive and powerful, कहता है कि tensile method जो है जिससे हम amino terminal residue की determination करते हैं वो काफी sensitive और powerful है. अब disadvantages क्या हैं? Disadvantages ये हैं कि इसका हम repeatedly use नहीं कर सकते एक ही peptide के ऊपर क्योंकि पेप्टाइड जो है वो टोटली डिग्रेड हो जाता है एसिड हाइड्रोलाइसिस स्टेप के अंदर. तो इसीलिए हम इसका रिपीटेडली एक ही पेप्टाइड के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है एडमिन डिग्रेडेशन. 1955 में पेर एडमिन ने एक मेथड डेवलप किया प्रोटीन सिक्वेंसिंग के लिए जिसका नाम रखा एडमिन डिग्रेडेशन. It involves sequential identification of amino acid from N to C terminal. कहता है ये क्या involve करता है इस method में कि sequentially amino acids की identification की जाती है N terminal end से जो शुरू होता है to the C terminal end पे. Phenyl isothiocyanate reagent is used in the Edman degradation. तो Edman degradation ने एडमिन ने इसमें कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का इस्तेमाल इसने यहां पे किया. द अमाइनो टर्मिनल एंड टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द रिएक्शन द प्रोटीन विद पीटीसी फिनाइल थायोसाइनेट दैट फॉर्म्स अ स्टेबल कोवलेंट लिंक विद द फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेयर टू हाइड्रोलाइसिस विद 6 मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो कहता है कि जो अमाइनो टर्मिनल है जो एन टर्मिनल रेजिड्यू है प्रोटीन का हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिएक्शन के साथ. अब रिएक्शन क्या होती है कि प्रोटीन जो है वो फिनाइल थियोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके और ये क्या करता है इक्विवेलेंट लिंक बनाता है उस फ्री अमाइनो ग्रुप के साथ. लेकिन ये लिंक कब बनता है? बिफोर हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस होने से पहले ही ये लिंक जो है कोवलेंट लिंक जो है वो वहां पे बनता है. फिनाइल आइसोथायोसाइनेट रिएक्ट विद अनचार्ज्ड एंटेनल अमाइनो ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड टू फॉर्म अ फिनाइल थियोकार्बोनाइल डेरिवेशन. तो फिनाइल आइसोथियोसाइनेट जो है ये रिएक्ट होता है जो अनचार्ज्ड एंटर्नल अमाइनो ग्रुप है पेप्टाइड का जिससे क्या फॉर्मेशन होती है कि फिनाइल थियोकार्बोनाइल की डेरिवेशन जो है उसके डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन वहां पे होती है. तो लेबल्ड एंटर्नल अमाइनो एसिड उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जिसको हम कंपेयर करते हैं विद द क्रोमेटोग्राफी प्रॉपर्टीज विद स्टैंडर्ड फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन और डेंसाइल क्लोराइड के साथ. इसके साथ कंपेयर करके हम जो लेबल एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन अंडर माइल्ड एसिडिक द साइक्लिक फिनाइल थियोहाइड्रेनटाइन ऑफ द टर्मिनल अमाइनो एसिड इज लिबरेटेड व्हिच लीव्स एन इंटैक्ट पेप्टाइड शॉर्टन्ड बाय वन अमाइनो एसिड. तो इससे क्या होता है जब जो माइल्ड एसिडिक साइकिल होता है फिनाइल थियोहाइन डेंटाइन का तो वो टर्मिनल अमाइनो एसिड को लिबरेट करता है. लिबरेट हो गया कि वो उससे अलग कर देता है जिससे जो इंटैक्ट पेप्टाइड है वो शॉर्ट हो जाता है क्योंकि उसमें एक अमाइनो एसिड जो है वो लिबरेट हो जाता है वो अलग हो जाता है उससे. तो जो रिलीज्ड फिनाइल थियो जो अमाइनो एसिड है पीटीएच अमाइनो एसिड दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो उसको रिलीज करने के लिए किसको फिनाइल थियो हाइडेंटाइन जो रिलीज हुआ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. द सिक्वेंसिंग टेक्निक हैज बीन ऑटोमेटेड एंड रिफाइंड सो दैट अपवर्ड्स ऑफ 50 रेसिड्यू फ्रॉम एन टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन कैन बी सिक्वेंस्ड फ्रॉम पिको मोल क्वांटिटीज ऑफ मटीरियल. तो जो सिक्वेंसिंग टेक्निक है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है जो रिफाइन करती है अपवर्ड मूवमेंट 50 रेसिड्यू फ्रॉम एन टर्मिनल प्रोटीन जिसको हम सिक्वेंस करते हैं फ्रॉम पिको मोल क्वांटिटीज ऑफ द मटीरियल. यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एडमिन डिग्रेडेशन कैसी होती है. यहाँ आप देख लीजिए ये है हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड जो यहाँ पे जुड़े इसको हमने लेबलिंग की ये यहाँ पे लेबल्ड हो गया ये फर्स्ट राउंड था.
ठीक है। अब क्या होगा कि जिसको हमने लेबल किया ये क्या है, लिबरेट हो जाएगा, इससे रिलीज हो जाएगा। तो ये यहां पे आप देखो कि ये क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। अब ये जो पेप्टाइड था इसमें एक अमीनो एसिड जो है वो शॉर्ट हो गया। फिर से हमने इसको लेबलिंग की, फिर से जो लेबल्ड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ वो रिलीज हो जाएगा और ये शॉर्ट पेप्टाइड शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी सिक्वेंसिंग करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये पेप्टाइड्स हैं जिसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक अमाइनो एसिड जो है लेबल्ड होकर रिलीज हो रहा है। ये फर्स्ट राउंड में हुआ, ये सेकेंड राउंड में, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्रोमेटोग्राफी से हम इसको क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जो साइक्लिक डेरिवेटिव है किसका, टर्मिनल अमाइनो एसिड फिनाइल थायोहाइडेंटाइन जो पीटीएच है, उससे हम क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब लिमिटेशन क्या है एडमिन रिएक्शन के, एडमिन डिग्रेडेशन प्रोसेस फ्रॉम एंटामनेस ऑफ द प्रोटीन, इट विल नॉट वर्क इट द एंटामनेल अमाइनो एसिड हैज बीन केमिकली मॉडिफाइड। तो एडमिन डिग्रेडेशन जो प्रोसीड होती है वो टर्मिनल एंड टर्मिनस एंड से जो प्रोटीन का है वहां से शुरू होती है, लेकिन ये वर्क नहीं करती क्योंकि जो एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड है वो उसको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से वो उतना काम नहीं कर पाती। It also requires the use of either guesswork or a separate procedure to determine position of disulfide bridge. तो अगर हमने determine करना है कि disulfide bridge की position क्या है, या तो हम उसके लिए एक separate procedure इस्तेमाल करेंगे या तो हमने guesswork का इस्तेमाल करके ही इसको हमने इसकी position जो है वो determine करनी है। Applications क्या है protein sequencing की, knowledge of sequence amino acid in a protein can offer insights into three dimensional structure and function in cellular location. कहता है कि जो amino acids की sequence का knowledge है protein में, वो हमें offer करता है कि हम एक तो protein का three dimensional structure को हम अच्छी तरह जान सके, हम protein के functions की cellular location में, जो cells की locations है उसके अंदर proteins का क्या फंक्शन है हम उनको अच्छी तरह जान सकते हैं जब हमने प्रोटीन सीक्वेंसिंग की होगी। कुछ अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो शुरू करते हैं सिग्नल्स जो डिटरमाइन करते हैं सेलुलर लोकेशन, सेलुलर लोकेशन कहाँ है प्रोटीन्स की, उसकी केमिकल मॉडिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑन एन हाफ लाइफ ऑफ अ प्रोटीन, या हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन पे ये उसकी जो केमिकल मॉडिफिकेशन है या जो सेलुलर लोकेशन है उसको डिटरमाइन करता है। तो हाफ लाइफ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ होता है कि ऐसा टाइम जो रिक्वायर होता है किसी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी को कि वो कितना डिक्रीज हो भाई, उसके हाफ में कितना टाइम लगे कि वो जो है उसकी प्रॉपर्टी हाफ जो है वो डिक्रीज हो जाए। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी टू डिक्रीज बाय हाफ, कि कितनी प्रॉपर्टीज वो उसकी हाफ होगी उसके लिए कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन सीक्वेंसेस कैन इलुसिडेट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब इलुसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, कुछ चीजों को क्लियर करना। तो प्रोटीन सीक्वेंसेस ये जो है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ उसको टोटली क्लियर, उसको एक्सप्लेन कर देती है कि उस सारी चीजें उसकी जो है हिस्ट्री ऑफ लाइफ की उसको क्लियर कर देती है। कंक्लूजन क्या है इसका पूरा, अगर हम कंक्लूड करेंगे लेसन को, तो प्रोटीन सीक्वेंस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है प्रोटीन के अंदर उसका पता लगा सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन रिगार्ड देती है हमें कि प्रोटीन की कंफर्मेशन कैसी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें देती है। ये डिस्कवरिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सेलुलर प्रोसेस। कहता है कि हमें जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पता लगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम जितने भी सेलुलर प्रोसेस इंसान के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं तो उसको हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड उसको हम अच्छी तरह कर सकते हैं। ये अलो करता है कि ड्रग्स जो टारगेट स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उन टू बी इन्वेंटेड मोर इजीली, तो उन टारगेट जो स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उसमें भी हमें हेल्प करता है कि कौन सी ड्रग जो है उसके लिए जरूरी है।
फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंसिंग वाज अचीव्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर इन 93। तो पहली जो फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो अचीव की फ्रेडरिक सैंगर ने वो 1953 में की। इसने अमाइनो एसिड सीक्वेंस किसकी, बोवाइन इंसुलिन की डिटरमाइन की, कि जो बोवाइन इंसुलिन एक प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है वो डिटरमाइन उसने फ्रेडरिक सैंगर ने की। तो सैंगर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1958। इसके लिए सैंगर को नोबेल प्राइज भी दिया गया 1958 के अंदर। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोटीन सिक्वेंसिंग। थैंक यू।